नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली। आज से हम एक नया चैनल शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है आयुर्वेद फॉर एवरीवन। आप सबका इस चैनल में स्वागत है। आज का दिन बहुत विशेष है। आज धनतेरस है, भगवान धन्वंतरी की जयंती। भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के आदि देव है, आयुर्वेद के जनक है। ऐसी मान्यता है कि जब देव और असुर इनका युद्ध हुआ और समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र में से 14 रत्न निकले, उसमें भगवान धन्वंतरी हाथ में अमृत कलश लेके प्रकट हुए। आप जब भगवान धन्वंतरी की मूर्ति देखेंगे तो उसमें उनके चार हस्तों में शंख, चक्र, जलौका, अमृत कलश दिखाए जाते हैं। ये हर एक चीज प्रतीकात्मक है। शंख पवित्रता का प्रतीक है, इस शंख की मंगल ध्वनि आरोग्य प्रदान करने वाली है। चक्र जैसे विष्णु के हाथ का चक्र सभी असुरों का नाश करने वाले है, वैसे ही भगवान धन्वंतरी के हाथ में जो चक्र दिखाया जाता है वो बीमारियों का नाश करने वाला है। जलौका यानी लीच ये दूषित रक्त को चूस के आरोग्य प्रदान करती है, और अमृत कलश दीर्घायुष्य प्रदान करने वाला है। अभी आपको लगेगा कि जो लोग आयुर्वेद पढ़ते हैं, आयुर्वेद पढ़ाते हैं या जो आयुर्वेद की चिकित्सा देते हैं, भगवान धन्वंतरी सिर्फ उनके देव है, यानी उन्होंने ही उनकी पूजा करनी चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सभी आरोग्य की मंगल कामना से इनकी पूजा कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोग धन्वंतरी मंत्र और धन्वंतरी स्तवन बता रहे हैं, आप इनका लाभ ले सकते हैं। ॐ शंखं चक्रं जलौकां दधत अमृतघटं चारु दोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्म स्वच्छातिरुद्यांशक परिविलस मौली मम्बोज नेत्रं कालांबोधज्वलांगं कटितट विलस चारु पीतांबराढ्यं वंदे धन्वंतरिं तं निखिलगदवन प्रौढदावाग्निलीलम्। ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वंतरये अमृतकलशहस्ताय सर्वभयविनाशाय सर्वरोगनिवारणाय त्रैलोक्यपतये त्रैलोक्यनिधये श्री महाविष्णु स्वरूप श्री धन्वंतरी स्वरूप श्री 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 औषधचक्र नारायणाय स्वाहा।